वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम ब्रेड के उत्तपम बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बनके तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। ब्रेड उत्तपम बनाने के लिए सामग्री देख लेंगे। मैंने यहाँ पे 9 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, जिसके मैंने कॉर्नर्स जो है निकाल दिए हैं। और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है और 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूजी ली है, आधा टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स के जगह पे आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया है, यहाँ पे मिक्स शिमला मिर्च लिए है जिसमें लाल, हरी और पीली तीनों मिक्स है। और यहाँ पे एक प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ धनिया पत्ता लिया है। वेजिटेबल आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून हम यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, बच्चों को अगर टिफिन में देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं। अब हम ये दही एड कर देंगे, मैदा, सूजी, नमक, गरम मसाला और रेड चिली फ्लेक्स सब हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे हाथ से। पानी हम हमारे आवश्यकता अनुसार लेंगे। थोड़ा पानी ऐड कीजिए। 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इस जार में हम ये 2 को जो है ट्रांसफर कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए। तो इसे हम एक बार पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने पीसते समय थोड़ा सा पानी ऐड किया है, कर देंगे। वेजिटेबल्स सारे ऐड कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल्स जो है हमने इसमें मिक्स कर दिया है। हम इसमें आधा टीस्पून इनो ऐड कर देंगे। इनो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारा उत्तपम के लिए बैटर जो है बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम उत्तपम बनाएंगे। ले लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो तेल, बटर, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब हम इस तरह से छोटे छोटे बना के ले लेंगे। इनो डालेंगे तो इसे पलटते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिए, तो इनो की वजह से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इन्हें हम वापस ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमने इसे पलट लिया है और इसे पलट के भी पका लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो है अच्छे पक चुके हैं। तो इन्हें हम सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। के उत्तपम जो है बनके तैयार हो चुके हैं। इसे आप कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत से चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में डाली है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।